एक ओर जहां अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बड़ी खुशी मिलने जा रही है। अब ये कैसे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूं तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर से देश का हर एक नागरिक खुश है, खासकर हिंदू समुदाय। लेकिन कहीं ना कहीं जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई है उसकी नींव को लेकर भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं। जो मुस्लिम समाज मस्जिद की स्थापना की राह देख रहे हैं, बता दें कि उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। दरअसल रमजान से पहले मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यहां पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस पढ़ेंगे। भाजपा नेता हाजी अराफात शेख ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। हाजी अराफात शेख को मस्जिद विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर के नाम पर मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी नेता अराफात शेख ने बताया कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो 18-18 फीट पर खुलेगी। आपको बता दें कि मस्जिद परिसर में कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जहां हर धर्म हर मजहब के लोगों का मुफ्त में इलाज होगा, जिसे देश में मोहब्बत का पैगाम जाएगा। स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। यहां वेज किचन भी बनेगा, जो यहां आने वाले लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगा। यहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल जैसे 5 कॉलेज बनेंगे। वहां दुबई से बड़ा फिश एक्वेरियम भी आएगा। वहीं कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। हम खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, जिसके अंदर QR कोड होगा, जिसके जरिए आप दान कर सकेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको मैसेज आएगा कि मस्जिद निर्माण में अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ओर जहां पर राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर में भव्य मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है और पूरा मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर यहां पर इसके निर्माण में लगा हुआ है। और खास बात ये कि इसमें जाति या धर्म के नाम पर बैर नहीं रखा जाएगा। हर धर्म के हर मजहब के कोई भी लोग यहां पर आकर सुविधाएं ले सकते हैं और मस्जिद में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।